प्रदेश भर की एएनएम और जीएनएम नर्सिंग छात्राएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मीटिंग करने के बाद दिए गए आश्वासनों से पूरी तरह असंतुष्ट नहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ सरकार का विरोध करने के लिए करनाल के करण पार्क में प्रदेश स्तरीय मीटिंग की गई, जिसमें आगे की रणनीति बताई गई। इस बैठक में छात्राओं द्वारा कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें वह दोबारा से पेपर नहीं देंगी, उनका रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए, जिन अधिकारियों की गलती है और जिन्होंने पेपरों में कोई धांधली की, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इसके विरोध में प्रदेश भर की नर्सिंग की छात्राएं जिला स्तर पर 13 तारीख को हर सांसद और विधायकों के निवास का घेराव करेंगी और एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन भी किया जाएगा। अगर हमारे लिए अब कोई कार्रवाई, अगर गवर्नमेंट ने हमारे हमारे फेवर में कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम लोग जो है आगे स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे और हम प्रदर्शन करने को मजबूर है। फिर क्या कारण है? एक तो ये हमारा रिजल्ट नहीं घोषित कर रहे। अगर गवर्नमेंट की मिस्टेक थी, वो बोर्ड अवैध था, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने पूरे रूल रेगुलेशन, पूरे जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज थी, वो हमने पूरे उस तरीके से हमने पूरे एग्जाम दिए हैं। गलती गवर्नमेंट की है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। तीन मांगों को लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। नवंबर 2014 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट घोषित किया जाए। उस रिजल्ट्स के अंदर जो अनियमितताएं सरकार बता रही है, उस अनियमितताएं करने वाले जितने भी आईएएस अधिकारी है, ऊपर लेवल के जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उनको तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। तीसरी मांग जो हमारी इसके अंदर है कि पिछले 4-5 साल के अंदर अलग अलग टाइम पे बोर्ड बदलते रहे हैं, कभी हरियाणा नर्सिंग काउंसिल के अंडर देते रहे हैं, कभी डीएमआर के अंडर, मतलब उन स्थायी रूप से कोई एक बोर्ड बनाया जाए जिसके अंदर इस तमाम के तमाम कोर्सेज को चलाया जाए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।